हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीनू के। आज हम नाश्ते में बनाने वाले हैं पोहा। पोहा एक ऐसी डिश है जो आप कभी भी खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, स्कूल के टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं। बहुत हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो इसके लिए हमने लिया है पोहा। ये थोड़ा जो पतला वाला पोहा होता है हमने वो लिया है। साथ में हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, बिल्कुल एक चुटकी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस, जीरा पाउडर या जीरा साबुत जीरा, सॉरी नॉट पाउडर। थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल से इसको फ्राई करेंगे, माने हमारे जो प्याज को और बाकी और चीज़ों को। तो यहाँ मेरे पास में है थोड़ी सी अनसॉल्टेड मूंगफली, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कड़ी पत्ता, जिंजर या अदरक, और साथ में मैं डालूंगी एक उबला हुआ बारीक कटा आलू। मैंने उबाल के रख दिया है, बस ठंडा होने के लिए मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ। पोहा को हम पहले एक पानी लेकर इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से हमको पोहा को वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद इसको हम ड्रेन करेंगे एक छन्नी में। उसी में हम डाल देते हैं नमक। उससे क्या होता है कि पोहा थोड़ा फूलता है और वो नमक पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एक्सेसिव वाटर होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा कढ़ाई में काम आ जाता है, जिसमें हम बाकी अपनी चीज़ों को फ्राई करते हैं, कुक करते हैं और फिर उसमें पोहा डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोहा को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और एक्सेस पानी इसका ड्रेन आउट हो रहा है। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सबको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। नमक अच्छे से पूरे पोहे में मिक्स हो गया है और बस इसको अब हम इस तरीके से छोड़ देंगे और हम बाकी का काम शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस पे। इस पे हम डाल देंगे हमारा रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से पहले गरम करेंगे, फिर उसमें डाल जाएगा हमारा जीरा और हल्दी। मिक्स कर दीजिए इसको अच्छे से और अब इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से भूनते हैं कि वो कच्चापन उसका निकल जाए। बाकी और इन्ग्रीडियंट्स भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और हम सबको साथ में लाकर अच्छे से पकाएंगे। आलू भी हमारा अच्छे से अब उबल गया है, तो बस उसको मैं पीसेस में काट के इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। फ्लेम को मैं लो रख रही हूँ। तो आलू भी हमने डाल दिया है और अब जाएगा हमारा पोहा। पोहा डालते ही हमको इसको फटाफट चला देना है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। सबको अच्छे से हमको मिक्स करना है। सब कुछ मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम नींबू का रस ऐड कर देते हैं और साथ में फ्रेश कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए। ये बहुत झटपट बनता है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता होता है और मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। तो हम सबको अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। तो लीजिए फूडीज, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पोहा। इसको अभी हम ढक्कन लगाएंगे और इसको अभी रेस्ट पे रखते हैं 5 मिनट के लिए और फिर इसको गर्मा गर्म चाय के साथ में सर्व करेंगे। तो लीजिए फूडीज, तैयार है मेरा नाश्ता पोहा विद गर्मा गर्म चाय। तो ये तो मेरा फेवरेट नाश्ता है और मेरा आज संडे बहुत अच्छा बन गया। तो अगर ये रेसिपी आपको इस तरीके से अच्छी लगी पोहा की, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मीनू के को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।